इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आके अर्ज करने लगा, या अली, वो कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से इंसान पर इल्हाम ज्यादा होते हैं? बस जैसे ही ये पूछा गया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, तीन आदतों की वजह से इंसान के दिमाग पर इल्हाम ज्यादा होते हैं। पहली चीज, आधा पेट खाना खाना, क्योंकि जो इंसान ज्यादा खाना खाता है वो इल्हाम जैसी अजीम नेमत से महरूम रहता है और यूं वो कुदरत के इशारे समझ नहीं पाता। दूसरा, कम बात करना। याद रखना, जो इंसान ज्यादा बात करता है तो उसका दिमाग कुदरत के इशारों से महरूम रहता है। और तीसरी चीज, अल्लाह की मखलूक पे रहम करना। याद रखना, जो इंसान अल्लाह की खिलकत के लिए अपना दिल नरम रखता है, हमदर्दी, रहम और दूसरों की मदद करने को तरजीह देता है, तो कुदरत की तमाम खिलकतें उस इंसान की मदद की तरफ मुतवज्जा होती हैं और यूं कुदरत उसके दिमाग पे इल्हाम करती रहती है ताकि वो अपने फैसले और जिंदगी को बेहतर कर सके। ऐ शख्स, अगर चाहते हो कि तुम पे भी इल्हाम हो तो अपने वजूद में ये तीन आदतें पैदा करो। तुम इल्हाम का नूर अपने वजूद पे वाज़ेह पाओगे। तुम